पुराने जमाने में जिस तरह चारपाई के साथ एक झूला लगाया जाता था, उस पर अगर बच्चे को सोए करें, आगे पीछे करें, तो भी बच्चे चुप कर जाते हैं। आप गाड़ी में या मोटर बाइक पे लेके निकल जाएं, तो बच्चे चुप कर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हसन सुलेमान है। मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ और पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही आम, एक जिसे कहना चाहिए बीमारी या प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे, जिसको इन्फेंटाइल कॉलिक कहते हैं। इसके मुख्तलिफ नाम हैं, इसको आप 3 मंथ्स कॉलिक भी कह सकते हो, इन्फेंटाइल कॉलिक भी कह सकते हो, कॉलिक की बेबी भी कह सकते हो। इस पे बात करना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं जो कहते हैं कि जी किसकी वजह से कॉलिक हो रहा है, पेट में गैस क्यों हो रही है, दूध कौन सा देना है, दूध कौन सा नहीं देना, क्या दवाई दें, क्या दवाई ना दें, और बहुत सारी और रेमेडीज इस तरह की अवेलेबल हैं मार्केट में जो चल भी रही हैं, जो फायदा देने की बजाय नुकसानदेह भी हो सकती हैं बच्चों के लिए। सो आप सबसे पहले तो ये बात कि ये कॉलिक है क्या। कॉलिक जो है ये बच्चों के अंदर गुड और बैड बैक्टीरिया के डिस इम्बैलेंस की वजह से गैस प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा एक हफ्ते में कम से कम 3 दिन, रोजाना 3 घंटे, अगर मुसलसल 3 वीक्स के लिए इस तरह से प्रेजेंट करे तो आप उसको इन्फेंटाइल कॉलिक कहते हैं। ये इसकी एक लेटेस्ट डेफिनेशन है, 3 घंटे, रोजाना 3 दिन, 3 हफ्ते। ये बात जहन में रख लें कि ये प्रॉब्लम इस तरह से होती है। ये बच्चे जो माँ के दूध में हैं उनमें भी हो सकती है, और जो आर्टिफिशियल डब्बे के दूध में हैं उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कॉलिक की। और ये 30 से 40% बच्चों में होती ही होती है, यानी ये रोना अगर शुरू की है तो ये एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन है कॉलिक की। लेकिन क्योंकि वो बच्चे बहुत ज़्यादा हाई पिच्ड क्राई के साथ रो रहे होते हैं, तो कई दफ़ा पेरेंट्स एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा एग्जेजरेट होती है कि वो हर दूसरे दिन डॉक्टर साहब के पास चले जाते हैं कि ये रो रहा है। और फिर कभी लैक्टेज एंजाइम, कभी दूध चेंज करना, कभी रिफ्लक्स की दवाइयाँ, कभी मुख्तलिफ चीज़ें बताई जाती हैं, जिनमें से बहुत सारी चीज़ों का करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम माँ को पहले एक्सप्लेन करें। जब हमने दूसरी रीजंस रूल आउट कर लें कि गर्दन तोड़ बुखार तो नहीं है, यूरिन की इन्फेक्शन तो नहीं है, एसिड रिफ्लक्स डिजीज तो नहीं है, काउजमिल प्रोटीन एलर्जी तो नहीं है, तो फिर मदर को एक्सप्लेन कर देना चाहिए कि ये इस तरह से है, इतने अरसे तकरीबन 3 to 4 months के लिए ये प्रॉब्लम रहती है और उसके बाद ये ठीक हो जाती है। इसके लिए जो लेटेस्ट थ्योरी है कि भाई ये होता क्यों है, गट की मेच्योरिटी की वजह से है या डिसबैलेंस की वजह से है, तो मोस्ट लाइकली थ्योरी ये है कि ये इम्बैलेंस ऑफ गुड और बैड बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। लैक्टोबैसिलस की सर्टन फॉर्म्स हैं जो हमारी गट के अंदर बढ़ जाती हैं, जब वो बढ़ जाती हैं तो वो गैस प्रोड्यूस करती हैं, जब गैस प्रोड्यूस होती है तो वो फिर इरीटेट करती है और बच्चा क्राई करता है, टांगे इकट्ठी कर लेता है, मतलब उसकी जिस्म तन जाता है, जिस्म के साथ वो टांगे लगा लेगा, जोर से रोएगा, और कई दफ़ा समझ नहीं आती, कई दफ़ा उसके क्रेनियल अल्ट्रासाउंड या उसके लंबर पंक्चर बच्चे के किए जाते हैं ये देखने के लिए कि खुदा ना खास्ता कहीं इसको फिट्स तो नहीं पड़ रहे। कई दफ़ा इन्फेंटाइल स्पैज़म वाले बच्चे प्रेजेंट कर भी सकते हैं कॉलिक की तरह, लेकिन वो बहुत एक रेयर सिनेरियो है। बहुत सारी रेमेडीज जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि हैं इसके लिए अवेलेबल, लेकिन द बेस्ट थिंग इज कि जो आजकल प्रोबायोटिक ड्रॉप्स आए हुए हैं वो यूज़ करने चाहिए, वो बेस्ट हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जिससे हम बच्चे को जो है वो सूद कर सकते हैं, जिसको वाइट साउंड जिसका कहते हैं की साउंड निकालना, ये वो साउंड होती है जब बच्चा माँ के पेट में होता है और उसकी वेसल्स मदर की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी जो आवाज़ आ रही होती है उस तरह की वॉइस सुन के वो बच्चा सूद कर जाता है। या पुराने जमाने में जिस तरह चारपाई के साथ एक झूला लगाया जाता था, उस पर अगर बच्चे को सोए करें, आगे पीछे करें, तो भी बच्चे चुप कर जाते हैं। आप गाड़ी में या मोटर बाइक पर लेके निकल जाएं तो बच्चे चुप कर जाते हैं। सो मुख्तलिफ रीजंस तरह तरह से हम उनको बच्चों को जो है वो हेल्प आउट कर सकते हैं, स्पेशली जब आप मदर्स को और पेरेंट्स को एक्सप्लेन कर देते हो कि ये नॉर्मल है और क्या क्या किया जा सकता है और कब तक चलेगा, तो उनकी भी एंग्जाइटी कम हो जाती है, जो कि कई दफ़ा घरेलू झगड़ों के ऊपर मबनी होती है कि बच्चा रोता ही इतना है, बच्चों को शेक करते हैं जोर से कि किसी तरह चुप कर जाए, तो शेकन बेबी के साथ भी वो प्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस तरह से केटर हो सकती हैं। इनके लिए कोई जिस तरह किसी ज़माने में कई लोग फिनोबाबिटोन्स या ये चीज़ें यूज़ करते थे, ये बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए, इन चीज़ों का नुकसान है। इसी तरह जो हर्बल ड्रॉप्स अवेलेबल हैं उनका भी कोई फ़ायदा नहीं है इनके अंदर देने का। सो बेहतर यही है कि आप प्रोबायोटिक ड्रॉप्स जो यूज़ हो रहे हैं वो इस्तेमाल करें। किसी ज़माने में स्मिथिकॉन ड्रॉप्स यूज़ होते थे कुछ बच्चों में, वो भी फ़ायदा दे सकते हैं। इसके अलावा जो है कि दूध चेंज करने का इनमें कोई फ़ायदा नहीं है, लैक्टेज एंजाइम देने का इनके अंदर कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इसकी कोई सर पैर बनता नहीं है कॉलिक के साथ। ये एक कुदरती चीज़ है और आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ये ठीक हो जाती है।